कंठ तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के जो राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष 20 फरवरी को दिया कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्व सरकार के साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास के लक्ष्य को सामने रखते हुए सभी वर्गों की उन्नत कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। सुशासन सुरक्षा एवं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ शांति एवं सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। G20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्व अभूतपूर्व अवसर है। भारत के विकास करने या उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2022-2027 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मेरी सरकार नियोजित प्रयास कर रही है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवा प्रदान की जा रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को निवेश के महाकुंभ का प्रस्ताव प्रदान किया है। फलस्वरूप 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 19,058 निवेश आशय प्राप्त किए हैं, जिनमें 94,00,000 से अधिक रोजगार के अवसरों को सृजन की संभावना है। कई एक्सप्रेस के निर्माण किया जा रहा है, जिससे एक्सप्रेसवेज के दोनों ओर प्रदेश के आर्थिक विकास एवं सहायक औद्योगिक व्यवसायिक गतिविधियां तेज होंगी। एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे मेरठ के प्रयागराज तथा 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गतिमान है। लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रक्रिया अधीन है। लोक निर्माण विभाग के टेंडर बिके और अधिक प्रतिस्पर्धी एक पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य लागू किए गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब कल्याण योजना चला करके गरीबों के लिए समान योजनाओं का लाभ हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से या डबल राशन डबल इंजन की सरकार होने के कारण डबल राशन की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन नेतृत्व में सरकार बनकर के सरकार चल रही है, लगातार जन कल्याण योजनाओं को गांव-गांव तक अंतिम व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं और वहीं पर जो ये अपराध श्रेणी थी उसको घट गया है और जीरो टॉलरेंस के रूप में हमारी सरकार चल रही है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जो इस देश को आगे दुनिया में सबसे आगे ले जा रहे हैं और जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता था और उन सरकारों में न्याय नहीं मिलता था, गुंडा राज था। 2012 से 2017 के बीच में जनता में कलह थी, जनता जो है पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति दुखी थी। इस कारण से 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हमको दिया और पुनः 2022 में फिर से हम जीत करके आए हैं। तो माननीय मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आज उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन करके ये विकास कर रहा है। निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हो रहा है और हमारे जनपद फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज दिया गया है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा और मेरे विधानसभा जहानाबाद में पीपे का पुल 25 वर्षों से हर वर्ष बनता और टूट जाता है, इसलिए वहां पक्का पुल बनाया जाए यमुना नदी में। और महिला महाविद्यालय मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, महिला महाविद्यालय की जरूरत है। और वहीं पर किसानों की सिंचाई के लिए घाटमपुर कोड़ा जहानाबाद रजबाहा में 32 वर्षों से पानी नहीं आ रहा, तो उसमें पानी की सप्लाई दी जाए। मैं माननीय अध्यक्षता महोदय जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री।